व्हाट्स अप गाइस, वेरी 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 गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग देखने वाले बेटा। चैप्टर नंबर 6 से हम लोग आज शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, जहां पे अगर मैं बात करूं बेटा आप लोगों के साथ, तो हम लोग देखेंगे ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट कैसा किया जाता है करके, है ना। समझना, ध्यान रखना, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट कैसे किया जाता है, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं आपके साथ अनअकैडमी के क्लासेस की, तो हर शाम को हमारी पे क्लासेस होती है, प्लस या आइकॉनिक का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं बेटा, तो आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ पाते हैं, जिसमें अगर आपको प्लस के अंदर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। सेम चीजें आपको आइकॉनिक के अंदर मिलती है। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस जैसी कई सारी चीजें आपको मिल जाती है आइकॉनिक के अंदर। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ बेटा सीए इंटरमीडिएट के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो प्लस या आइकॉनिक आप किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आप इसमें आईजी सर के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, राइट। एक बहुत ही जबरदस्त सेशन से हम ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, दैट इज SAPL, जिसका नेक्स्ट एपिसोड है दैट इज लेक्चर नंबर 5, जिसका आने वाला है अभी कमिंग फ्राइडे को होने वाली है जबरदस्त चीज, जिसके अंदर हम लोग अगला स्टैंडर्ड एक एक स्टैंडर्ड्स को हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चीज है बेटा, ये केवल और केवल 2 ही दिन होता है, फ्राइडे एंड सैटरडे 8 PM। इससे आपका रिविजन भी होता रहता है और आपके नए चैप्टर्स भी चालू होते रहते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट दी सेशन गाइस। चलिए अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ, देखिए ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, अच्छे से ध्यान दीजिए, समझिए बात को। ये ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का मतलब क्या है समझिएगा। ये ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, ऑटोमेट का मतलब होता है ऑटोमैटिक। क्या बोल रहा है? ऑटोमैटिक। समझना बात को, ध्यान रखना, ऑटोमैटिक। अब ये ऑटोमैटिक का मीनिंग क्या है समझिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि आजकल आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हम लोग है ना, हम समझिए, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, एक चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूं आपके साथ, तो हम लोग आजकल आजू बाजू बेटा पूरे पूरे किससे इन्वॉल्व है, पूरे पूरे हम लोग एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने पूरे इर्द गिर्द बेटा इन्वॉल्व है। कौन से चीज से रिलेटेड? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कम ऑन एवरीवन, किस चीज से रिलेटेड? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आजकल यूज ऑफ आईटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बेटा, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। पहले हमको अगर कोई पर्टिकुलर चीज, एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं आपके साथ समझिए बात को, अगर मैं कहूँ आपके साथ पहले हम लोग क्या करते थे बेटा, पहले अगर हमें किराना वगैरह भी लेने जाना पड़ता तो हम शॉप वगैरह जाते थे, या कोई चीज़ के लिए हमको मान लीजिए कुछ बाहर का खाना है, कहीं डिनर करने के जाना है, तो हम लोग है ना बाहर पे जाते थे, समझिएगा बात, ध्यान दीजिएगा, बाहर जाते थे, है ना। हाँ, बाहर रेस्टोरेंट में चले गए, होटल में चले गए, अब बाहर जाके हम लोग कंज्यूम करते थे फूड। लेकिन आप समझिए बात को, अब कितनी सारी चीज़ें बदल गई है। अब तुरंत जोमैटो का ऐप आपके इसमें होता है, स्विगी का ऐप आपके इसमें होता है, तुरंत बेटा फूड को ऑर्डर करते हो, घर बैठे बैठे आपको खाना मिल जाता है, इनवॉइस आपको घर बैठे बैठे मिल जाता है, पैसे भी आप ऑनलाइन ही पे कर देते हो, समझिए बात को, कितनी आसान जिंदगी हो चुकी है हम लोगों की, कितनी ज्यादा आसान जिंदगी हो चुकी है, समझिए बात को, है ना। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आईटी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है। किसका प्रयोग बेटा? आईटी का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है हमारे आम जीवन में, एक पर्टिकुलर जीवन में, हमारे जीवन में, आम जीवन में क्या प्रयोग किया जा रहा है? कम ऑन एवरीवन, आईटी का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, आजकल हर चीजें बेटा मोबाइल फोन के थ्रू हो जाती है, धनाधन धनाधन। किसी का बर्थडे, केक भिजवाना है, मोबाइल से हो जाती है सारी चीजें। पेमेंट ट्रांसफर करना है, आप तुरंत इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर लेते हो। चीजें इतनी ऑटोमेटिक हो चुकी है, तो हर एक ऑर्गन, ऑब्वियस सी बात है, इसके कारण क्या आपको लगता नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आजकल ऑटोमेटिक, मतलब कहीं ना कहीं आईटी की ओर जा रहा होगा। जैसे बात करूंगा मैं आपके साथ अमेजोन की, है ना, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, समझिए बात को, अमेजोन के अंदर आप देखिएगा यहां पर, ये तो पूरी चीजें ऑनलाइन है। अमेजोन का क्या कोई वेयर हाउस है क्या, जहां पर मैं बोल रहा हूं अरे ये बॉटल दे दे रहे करके, अरे माइक दे दे रहे करके, समझिए बात को, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, आप समझिए बात को। भैया जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं, वो ऑर्डर प्रोसेस होता है, वो ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद बेटा वो पर्टिकुलर ऑर्डर फुलफिल भी किया जाता है, समझिए बात को, और उसमें किसी पर्सन का, समझिए, उसमें किसी पर्सन का विदाउट इन्वॉल्वमेंट मुझे इनवॉइस आ जाता है, अमेजोन को पेमेंट मिल जाता है, सारी चीजें हो जाती है। बस केवल और केवल गुड्स की डिलीवरी के लिए बेटा एक व्यक्ति आता है, कुछ दिन बाद तो पता चला रोबोट ही आ रहे छोड़ने के लिए गुड्स को, समझे। मतलब यहां पर क्या बोला जा रहा है, मतलब मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे,
कि हमारे इसमें जिस प्रकार से हमारे जीवन में ये पर्टिकुलर आईटी का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसी प्रकार से आजकल बेटा ऑर्गेनाइजेशंस के इसमें भी यूजेस ऑफ आईटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, यूजेस ऑफ आईटी बहुत ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जम के प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ से लेके भैया, रिकॉर्डिंग से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने तक, है ना, रिकॉर्डिंग से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने तक जम के आईटी का प्रयोग करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, जम के आईटी का प्रयोग करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो क्या आपको लगता नहीं बेटा ऑडिटर ने ये पूरे पूरे प्रोसेस के ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए? मुझे बताओ ना, ऑडिटर ने अपना ध्यान देना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर, क्या आपको ऐसा लगता नहीं? बोलिए मुझे, क्या आपको ऐसा लगता नहीं बेटा? हाँ सर बिल्कुल लगता है, बोलो ना जल्दी से, हाँ सर बिल्कुल लगता है करके। एक ऑडिटर ने बिल्कुल बिल्कुल ये प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आपका आउटकम आ रहा है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आउटकम आ रहे हैं, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, तो वो जो आउटकम आ रहे हैं ना बेटा, वो आपके कौन से इसी पर्टिकुलर चीज का है ना, ये जो प्रोसेस चल रहा है वही पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड, वही पर्टिकुलर प्रोसेस से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं। तो प्रोसेस एकदम जबरदस्त तो भैया बाकी चीजें जबरदस्त, अगर प्रोसेस बहुत वाहियात या प्रोसेस बहुत घटिया तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एकदम रद्दी, समझ रहे हैं आप बात को, ध्यान रखना। तो ऐसे सिचुएशन में एक ऑडिटर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन दे पाएगा क्या? जी नहीं, एक ऑडिटर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन नहीं दे पाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं अगर आता हूं ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट में, तो देखिए यहां पे वही बोला गया है बेटा, कन्फर्मेशन ऑफ मूवी टिकट हो, ऑनलाइन बिल्स के पेमेंट करना हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, यूज ऑफ ATM हो, ऑफिस मीटिंग्स हो, ये सारी सारी चीजें अगर मैं बात करूँ तो अब ये ऑटोमेटेड हो चुके हैं ना। दीज आर ऑल द फ्रूट्स वी रीप फ्रॉम द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ द ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम विद द इंक्रीजिंग अडॉप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस टूडे रिलाय ऑन द सॉफ्टवेयर, रिलाय ऑन कौन सी चीज के ऊपर, सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड एप्लीकेशन मोर देन एवर। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है, समझिए बात को, यहाँ पे ऐसा बोला गया है बेटा कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो आईटी सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं। मेनी ऑफ दीज सिस्टम ये क्या करते हैं, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, ये जनरेट और प्रोसेस करते हैं डेटा को इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऐसे डेटा को प्रोसेस करते हैं या जनरेट करते हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं कहूं आपके साथ, आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने प्रोसेस किया किसने, सिस्टम ने, सिस्टम ने प्रोसेस करके इनवॉइस भी भेज दिया मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा, समझिए, अब इतना सब कुछ लिया तो उसको एक अकाउंटिंग एंट्री मारने क्या लग रहा है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश वाला, बोलिए ना मुझे, कुछ लगने वाला है क्या? कुछ नहीं लगने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना, उसको कुछ भी नहीं लगने वाला, इस चीज का ध्यान रखना। तो ऐसे इसमें हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बेटा कैसे जनरेट हो रहा है, ऑनलाइन जनरेट हो रहा है, आईटी की मदद से जनरेट हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, द ऑडिटर्स ऑल्सो ऑफन रिलाय ऑन द डेटा एंड द रिपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम दिस सिस्टम इन दिस कंटेस्ट, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, In this context, it is critical to understand that the IT specific risk that could potentially impact the integrity and the reliability of the financial transaction and data flowing through a company system. अब देखिए जबरदस्त बात क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे इनका कहना है ये कि IT की भी कुछ रिस्क हो सकती है बेटा, जो क्या बोल सकती है, जो आपके डेटा को, समझना, जो डेटा के इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा दे। हो सकता है आपका सिस्टम हैक हो गया, आपको ऐसा लगे अपनी इंफॉर्मेशन अपने पास है, लेकिन आपको क्या पता कि आपकी इंफॉर्मेशन तो पूरी जगत के पास है करके, समझिए बात को, जगत मतलब पूरे जहां के पास है, ऐसा कह रहा हूं मैं आपके साथ, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो उसके भी अपने कई प्रकार के रिस्क होते हैं। तो ये सिस्टम में हम सारे अप्रोचेस के बारे में जानने वाले। आइए सबसे पहले सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज, कम ऑन एवरीवन, व्हाट इज ऑडिट इन ऑटोमेट, व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, ये क्या है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, ये ऑटोमेटेड एनवायरमेंट क्या है करके उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड बात करूंगा, सुनिए बात को। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट, कैसा ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट जो प्रोसेस करे ट्रांजैक्शन को, जो ऑपरेशंस को भी प्रोसेस करे, अकाउंटिंग को भी करे, और इवन डिसीजंस आर कैरीड आउट यूजिंग बाय द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब बहुत जबरदस्त चीज बोल दिया। देखो क्या हुआ बेटा, आपका जो डेटा है, डेटा को प्रोसेस भी करूंगा मैं। देखिए क्या बोल रहा है आईटी का क्या कहना है, सब कुछ मैं करेंगा। मैं देखिए क्लास क्लिप में साथ साथ में पढ़ते जाना, केवल और केवल 18-19 पेज है चैप्टर के, डन से लर्न
लर्न हो जाएंगे आपको, बस मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा, समझिए बात को, है ना। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्या होता है ऑडिट इन, क्या होता है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का मतलब, तो समझिए बात को। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड पहले ऑटोमेटेड एनवायरमेंट को तो समझेंगे ना। देखिए अगर मैं बात करूं आपके साथ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का क्या मतलब, तो ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का मतलब होता है ऐसा एनवायरमेंट जहां पे क्या, जहां पे प्रोसेस, जहां पे आपके ऑपरेशंस, जहां पे प्रोसेस, जहां पे आपके ऑपरेशन, इवन अकाउंटिंग और उस पर्टिकुलर चीज से जो डिसीजन होते हैं ना, ये सारे के सारे किए जाते हैं किसके मदद से, आईटी अनेबल्ड होते हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं जल्दी से बोलिए ना मुझे, बोलिए ना जल्दी से, किससे किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से किए जाते हैं। तो ऐसे इसमें इसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, या उसी पर्टिकुलर चीज को इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोला जाता है। अब इस चीज को समझिए बात को, आजकल हर एक के बिजनेस में बेटा कंप्यूटर जरूरी वाली चीज है। एक बेटा छोटे से दुकान वाला आप देखिए ना, वो आजकल वो बारकोड वगैरह रखता है कि स्कैन करो, पेटीएम करो, समझ रहे बात को, है ना। पेटीएम पर 15 रुपए प्राप्त हुए, है ना, याद है आपको, मतलब याद है, इन द सेंस पता है आपको। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये सब ऑटोमेटेड एनवायरमेंट भी तो है ना, जहां पे पहले बेटा समझिए बात को, जहां पे पहले छोटू वगैरह क्या करता था, जहां पे पहले छोटू वगैरह फोकस करता था उस चीज में, अभी हो सकता, मतलब अगर मैं नहीं जाता तो शायद हो सकता है लंबा डिले हो जाता। चलिए अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनिए, ऑडिट इन ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का मतलब होता है ऐसा एनवायरमेंट जहां पे प्रोसेस, जहां पे ऑपरेशन, जहां पे अकाउंटिंग क्या हो, जहां पे आपके इवन डिसीजन भी सिस्टम ही कैरी आउट करे, तो उस चीज को बोला जाता है ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। जैसे मैंने यहां पे आपको बता दिया बेटा, जैसे अगर मैं कहूं आपके साथ Amazon वाला, Amazon के अंदर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर को प्रोसेस करने का काम, वहां पे लॉजिस्टिक्स वाले को बुलाने का काम, अपने पास वहां पे स्टॉक है या नहीं, अगर स्टॉक है तो ओनली 1 स्टॉक लेफ्ट भी लिख के आता है, ओनली 2 स्टॉक लेफ्ट भी लिख के आता है, ऐसी कई सारी चीजें लिख के आती है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये सारी चीजें करता कौन है, सिस्टम। वहां पे जेफ बेजोस ऐसे बैठा नहीं रहता, अरे यार इंद्रेश गांधी का ऑर्डर आया, बोले इसको प्रोसेस करता हूं बैठ के, नहीं, सब कुछ सिस्टम अपने आप करता है। जिससे परचेज, जिससे गुड्स हुआ है, जिससे गुड्स लेना है, उसको भी मेल भेजना, ये भी सिस्टम ही करता है, उसको गुड्स रेडी रखना है, बस आदमी जाता है कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट करता है, उनका भी उसमें भी एक सेट पैटर्न होता है। आप वो पर्टिकुलर सिस्टम के कोड्स वगैरह डाल दो तो ऑटोमेटिक जहां जाना है, जोन से कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जाना है, चले जाती है वो वाली चीज, समझे। तो ये सारी चीजें किसके कारण, जहां पे कैरी आउट की जा रही है बेटा, जहां पे कैरी आउट की जा रही है, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उस चीज को ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का पार्ट बोला जाता है। मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, समझिए सेकंड वाली चीज से रिलेटेड, देखिए यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, की फीचर्स क्या है यहाँ पे आपके ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के, की फीचर्स क्या है करके आइए, ध्यान दीजिए। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ की फीचर्स, सबसे पहला फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। अब देखिए एक समझिए बात को, ध्यान दीजिए, मैं अगर बात करूं आपके साथ, आप एक कोई रेस्टोरेंट, कोई बहुत ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट का नाम अपने जो भी लोकेलिटी में आप रहते हो ना, वहां पर इमेजिन करो, वहां पर कंटिन्यूस बेटा स्विगी वाले, जोमेटो वाले से खड़े रहते, अरे ऑर्डर दे दो रे, अरे ऑर्डर दे दो रे हमारा, क्यों। अब देखिए वो स्लोअर बिजनेस ऑपरेशन है वहां पे, क्यों, क्योंकि वो किसके द्वारा हो रहा है बेटा, ह्यूमन मेड है ना, ह्यूमन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आ जाती है वही। लेकिन जैसे अगर मैं नॉर्मल भी एग्जांपल लूं यार आपके साथ, समझिए बात को, आपको पता है क्या, वो जैसे अपन घर बनाते हैं तो अपने को ऐसा पहले नीचे जमीन के नीचे अपने को खोदना होता है ना, तो वहां पे अगर लेबर काम करे तो कंपैरेटिवली ज्यादा समय लगता है, लेकिन मैं बोलूंगा भैया वो जेसीबी लाओ और उससे खींच करके, तो फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, समझ रहे आप बात को। मतलब अगर आप ऑटोमेटेड एनवायरमेंट का यूज करोगे ना, आप कौन से कंप्यूटर सिस्टम का प्रयोग करोगे ना, तो चीजें फास्ट होंगी, समझना बात को, ध्यान रखना, चीजें फास्ट होंगी करके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ सेकंड वाली चीज, एक्यूरेसी इन द डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन। अब देखो यार ह्यूमन से गलतियां हो सकती है कभी कभार, आपने 100 दबाना था, आपने 000 दबा दिए, कुछ भी गलतियां हो सकती है, नॉर्मल ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर बोल रहा है नहीं नहीं हम भी गड़बड़ करेंगे, बोले ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है, समझिए बात को। कंप्यूटर से डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटेशन में कोई गलत नहीं हो सकती, डन से बेटा पूरे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर सकता है। आप मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग पे जाते हो कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने के लिए, बेटा अगर मैं बात करूं आपके साथ, जैसे कोई भी अपना जो भी आपका डीमैट अकाउंट जहां पे भी है, तो ऐसे इसमें आप वहां पे जाते हो डीमैट अकाउंट, वो आपको ये बोलेंगे अरे अभी बहुत सारे लोग आए करके, तो मैं इतने लोगों को प्रोसेस, हाँ लेकिन एक एक्सेप्शन है बेटा, अगर जीएसटी की साइट है ना, तो ऐसे सिचुएशन में वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ करती है, 1.5 लाख यूजर तुम यूज करो, बोले उसके ज्यादा यूज नहीं करने देंगे, है ना, वो खैर एक्सेप्शन है का, लेकिन ऐसा कभी कभार आपको देखने मिलता है कि साइट इच बैठ गई करके काम, ऐसा बोल रहे कि नहीं नहीं आप केवल है ना एक काम करो, आप बस इतने ही लोग यूज कर सकते, उसके ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते करके, है ना।
तो इस नहीं जीएसटी साइड वॉज नॉट हार्म एनीवेयर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहूंगा ये तीसरी वाली चीज है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को दन से प्रोसेस मारता है। मैं अगर बात करूं आपके साथ उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, समझिए बात को, ऑर्डर आया, ऑर्डर को प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद लॉजिस्टिक्स के साथ बेटा कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद आप तक ऑर्डर को फुलफिल किया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर सारे जगह ये इसने क्या करके रखा है, इंटीग्रेशन करके रखा है। समझना बात को, इसने इंटीग्रेशन, आपको जानना है मेरा पार्सल कहाँ है, वहां पे देखो ट्रैक माय पार्सल, आपको पता चलेगा। वहां पे आप क्या फोन करते, कह रहे बता रहे मेरा पार्सल कहाँ है करके, वो फोन उठा रहे बोलते एक मिनट सर चेक करता हूं करके, है ना, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो ऐसे इसमें मैं क्या कहूंगा, ये इंटीग्रेट करता है बिजनेस ऑपरेशन। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना करके, क्या मतलब होता है बोलिए जल्दी से, जोड़ना करके इस पर्टिकुलर चीज का मतलब होता है बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स। आपने एक चीज देखा होगा फोन के अंदर आप ऐसा पिन वगैरह लगा सकते हैं ना, पिन पासवर्ड या पैटर्न आप लगा के रखते हो, ये क्या होता है सिक्योरिटी के कंट्रोल्स होते हैं। आईटी के अंदर आप अपने हिसाब से कंट्रोल्स को लगा सकते हो, उससे क्या होता है आपके डेटा की इंटीग्रिटी, सहजता आपके डेटा की प्रोटेक्ट रहती है। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन गलतियां जो हो सकती है, यूजुअली जो ह्यूमन के द्वारा गलती होती है, इधर की पोस्टिंग उधर कर दिया, उधर की पोस्टिंग कहीं और कर दिया, तो ये जो गलतियां है ना, ये गलतियां कंपैरेटिवली कम चांसेस होती है जब आप किससे करते हो बेटा, जब आप इस पर्टिकुलर चीज से करते हो। फिर प्रोवाइड करता है आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, तुरंत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होती है। अगर सुनना बात को, अगर ह्यूमन अकाउंटिंग कर रहा है, तो अगर ह्यूमन अकाउंटिंग करे तो ऐसे इसमें उसको समय लगता है बेटा, वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर 500 एंट्रीज मांग पाएगा, वो भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं है, वो बारकोड स्कैनर वाले मशीन को देना, हमने ऐसा चक्कर से स्कैन किया, एक आवाज आई तो उधर तुरंत एंट्री आती है, तुरंत ऑटोमेटिक जीएसटी का कैलकुलेशन होता है, सब कुछ चीजें तुरंत स्टॉक से कम होता है, सेल में ऐड हो जाता है। समझ रहे बात को, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास लेटेस्ट अब भी इस समय तक कौन सी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप वही, अगर मैं बात करूं आपके साथ पास कोई अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट मार रहा है, अरे सर अभी रुक जाओ यार, अभी तो ये अभी तो मंथ एंड हुआ है, अभी 5-10 दिन तो दे दो हमको एंट्रीज मारने के लिए। समझ रहे बात को, वहां पे कहीं ना कहीं आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। फिर यहां पे कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपिटल, मतलब यहां पे क्या बोल के रखा है, सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे बोला गया है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी कैपेबिलिटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, आप एनी टाइम एनी वेयर का भी आपको फायदा मिलता है जब आप आईटी सिस्टम का प्रयोग करते हो, तो आपकी कनेक्टिविटी सुपर रहती है आपके ऑपरेशंस के साथ और आपको टेंशन कम रहता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप इसको याद करेंगे, अब इतने सारे पॉइंट्स है तो याद करना तो डिफिकल्ट होने ही वाला है ना आपको, तो समझना बात को, ध्यान रखो इसका फास्टर याद रखो, इसका बेटा एक्यूरेसी याद रखो, है ना। अगर मैं बात करूं आपके साथ, इसका इंटीग्रेशन ध्यान रखो और इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को आप ध्यान रखना, इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को आप ध्यान रखो। फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, पीसी को याद कर लेंगे यहां से। पीसी मतलब कौन हुआ हमारा, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा, बराबर बात को, प्रियंका चोपड़ा। अब ध्यान रख लो ये पीसी प्रियंका चोपड़ा मतलब क्या, प्रोवाइड्स लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी, ये दो चीजों से रिलेटेड बात हो गई, है ना। अब पीसी क्या हुई बेटा, पीसी बेटर पीसी फेल इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ड्यू टू ह्यूमन, ठीक है। चलिए, लोगा के कारण, ह्यूमन लोगों के कारण सिक्योरिटी में फेल हुई कौन, पीसी, इस चीज का ध्यान रखना, आपको याद रह जाएंगे पॉइंट्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट पूछ लिए जाते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, बढ़िया तरीके से लिख डालना है ना, मस्त मस्त लेट लेट के लिखना ये वाले चार पॉइंट्स को, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको इसके अलावा। चलिए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आइए मैं आपको अच्छा एक बार फटाफट रिपीट कर देते ना, देखिए पी से क्या है प्रोवाइड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सी से क्या है जल्दी से बोलो कनेक्टिविटी, एफ से क्या है फास्टर, समझना फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, ए से क्या है एक्यूरेसी, L से क्या है लायबिलिटी, समझना L से कौन सा है, सॉरी L से लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करता है, एबिलिटी टू परफॉर्म लार्ज वॉल्यूम, I से क्या है इंटीग्रेट करता है अलग-अलग चीजों को, और बाकी फिर क्या दिया गया है सिक्योरिटी और ह्यूमन एरर करके, सिक्योरिटी और ह्यूमन एरर, इस चीज का ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे, समझे सर। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, फिर देखिए इफ द, अब देखो आगे बात कर रहा है, अगर कंपनी यूज करती है आपके आईटी सिस्टम को, अगर आपके आईटी सिस्टम को यूज करती है रिसोर्स प्लानिंग, जैसे ईआरपी हो गया सॉफ्टवेयर, अब ये ईआरपी वगैरह एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग या SAP या ओरेकल, ये क्या है बेटा बड़े-बड़े सिस्टम है, MIS वाले सिस्टम है, मैनेजमेंट को ऐसा दन से इंफॉर्मेशन देते ना, क्या बताऊं मैं आपको, है ना, मतलब मैनेजमेंट के भी ऊपर वाला सिस्टम, मतलब एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जिसके पास हो वैसे वाले सिस्टम से। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये ना थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम लोग जब बैंक में जाते हैं ना बैंक ऑडिट करने के लिए, तो बेटा वो SAP यूज करते हैं, और वो इतना दिमाग खराब होता है, वो अपने को क्या टैली की आदत रहती, ज्यादा से ज्यादा टैली में क्या बहुत ज्यादा कंट्रोल्स इफेक्टिव रहते हैं, अपने अपने हिसाब से देखे देखे कंट्रोल्स रहते हैं। लेकिन ये
ओरेकल जब आप या ये सैप जो यूज करने जाते हो ना, इसके लिए आपको है ना आपकी इंस्टीट्यूट मतलब अपनी इंस्टीट्यूट आईसीआई है ना बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट कराती है कि आप सैप से यूजफुल हो जाओ, एटलीस्ट आपको कंट्रोल्स पता हो करके। अब देखो आप बैंक वालों से बोलोगे यार इधर आकर के मेरे को है ना एक कंट्रोल बता उसको। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी किया है कोई पर्टिकुलर, वो ऐसा बोलेगा कि हाँ मैंने चोरी का माल यहाँ पे छुपाया करके? ऐसा तो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा ये होता नहीं करके ये हेड ऑफिस करता है। बैंक ऑडिट पे गए तो वो है ना एक वो टेपिंग टाइप होता है उनके मुंह पे कि ये तो हेड ऑफिस से होता है, कुछ भी हुआ तो हेड ऑफिस से होता है, चाय का से हेड ऑफिस से आती है, बोले मतलब हर चीज हेड ऑफिस से होती है उनके, ठीक है वो कुछ भी नहीं करते। तो अब यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, समझिए ऐसा फील होता है बोलने का, एक काम कर लेना भाई, एक काम करना, तू भी काम क्यों कर रहा है, हेड ऑफिस में ही चले जाना, यहाँ पे क्यों है करके, हेड ऑफिस को ही करने देते हैं अभी काम, है ना। तो हर चीज हेड ऑफिस से होती है उनके इसमें, तो क्यों? क्योंकि अब देखो वो खुद नहीं झूंझना चाहते उसके अंदर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इतने आसानी से समझ में नहीं आता है। इसलिए आपने सुना होगा लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद सीसा और डीसा करते हैं। मतलब क्या होता है, वो ये आईटी वाले चीज को एकदम, मतलब आपका आईटीएसएम नहीं रहता क्या बेटा, ईएएसएसएम है ना, हमारे समय आईटीएसएम था, तो उसको नेक्स्ट लेवल जाके मतलब समझ लो उसके अंदर पीएचडी करते लोग, ऐसा समझ लो सीसा और डीसा। अब आधे लोगों की तो इच्छा यही खत्म हो गई, बोले बापरे ईएएसएसएम में तो झेले नहीं जा रहा, बोले और उसमें पीएचडी, बोले खत्म, चलो है ना। लेकिन अगर लेस कॉम्प्लेक्स है बेटा, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, लेकिन लेस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मुझे एक बात बताइए, है ना, लेकिन यहां पे अगर लेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उतना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट आपको ऑडिट के लिए मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है, जहां पे एकदम सीधे सीधे सिस्टम आप यूज करते हो, मतलब नॉर्मल जो सिस्टम होते हैं ना वहां पे आप यूज नहीं करते हो, ठीक है। चलिए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, समझिए बात को एकदम जबरदस्त तरीके से, देखिए मैं अगर कहूं बेटा आप लोगों के साथ रेलेवेंस ऑफ द आईटी इन ऑडिट करके, कि मतलब देखिए क्वेश्चन को समझना, यहाँ पे क्या बोला है कि आईटी का रेलेवेंस क्या पड़ेगा ऑडिट के अंदर, मतलब अगर हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम का या इंफॉर्मेशन का हम लोग आईटी का, समझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं, हम लोग कौन मतलब ऑडिटर प्रयोग करते हैं ऑडिट के लिए, तो आपको क्या क्या उसके बेनिफिट्स है या क्या क्या आपके रेलेवेंस, क्या मतलब किस प्रकार से वो रेलेवेंट होती है चीजें, उसके बारे में बात किया गया है। सबसे पहला देखिएगा क्या बोला गया, कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन आर ऑटोमेटिकली कैरिड आउट करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए बात को, एक नॉर्मल छोटू सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखिए जहां पे आपने क्या करके रखा है, आपने कोई एक्सेल शीट बना के रखा है, समझ रहा बात को, ध्यान रखो एक नॉर्मल सी एक्सेल शीट इमेजिन करो, ठीक है वही, और दूसरी ओर आप इमेजिन करो एक पेपर फॉर्म, है ना, एक पेपर फॉर्म के अंदर आपने एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, पांचवी चीज, आपने ये चीजें लिखी है और उसका टोटल आप इसके नीचे मारते हो और पेपर फॉर्म में भी आप टोटल वाली चीजें मारते हो। मुझे एक बात बताइए कौन सी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा फास्टर कैलकुलेट होंगी और विद अ ग्रेटर एक्यूरेसी कैलकुलेट होंगी, ये वाली चीज सर, एक्सेल वाली चीज, क्योंकि ये क्या है, ऑटोमेटेड है, समझना बात को, ये ऑटोमेटेड है। क्या होता है, पेपर फॉर्म में ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन का दिमाग चार जगह तो बलते बलते चलते चलता रहता है ना, सीन किया होगा क्या, मैसेज रिप्लाई नहीं आया, ब्लू टिक हुआ, डबल टिक हुआ, उसमें ही आधा दिमाग घुसा रहता है, तो ऐसे इसमें यहाँ पे हाई चांसेस ऑफ एरर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेल को ऐसा होने वाला है नहीं, बोले पावर पॉइंट रिप्लाई नहीं कर रहा, ऐसा तो होने नहीं वाला, तो ऐसे इसमें यहाँ पे जो चांसेस है एरर के वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, समझे, कम मतलब होते ही नहीं है, अनलेस अदरवाइज आप फीडिंग ही गलत करो, आप खुद गलत फीडिंग करे, बोले गलत एरर दे रहा है करके, अरे एरर तो देगा ही ना, आपने खुद ने गलत उसके अंदर रॉ मटेरियल से गलत डाला तो कैसे आपको फिनिश गुड्स प्रॉपर मिलेंगे, है ना, तो इस चीज के रिलेटेड ध्यान रखना। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए बात को, ये पहली वाली चीज है कंप्यूटेशन कैलकुलेशन से रिलेटेड, सेकंड वाली चीज बेटा जो अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्टेड होती है ये ऑटोमेटिकली पोस्टेड होती है, एक बार मेरे समझना बार को वो बार कोड से स्कैन करते वहां पे बिल निकला अकाउंटिंग एंट्री भी पास हो गई कि उसने कैश सेल किया, आपने कैश कलेक्ट किया और सेल हुआ करके। अब देखो मैं आपको एक नॉर्मल मैं आपको ना छोटी सी दुकान, एक छोटे से अपने मान लीजिए छोटी सी दुकान कंपैरेटिवली टू, ये चलो बिग बाजार की बात करेंगे, छोटा मोटा सोचेंगे नहीं अपन, अभी बिग बाजार की बात करूंगा सीधा आपके साथ। देखिए बिग बाजार के अंदर आप लोग जाते हो बेटा, है ना, बिग बाजार के अंदर आप लोग जाते हो, आप लोग जो भी अपने को गुड्स वुड्स अपने को खरीदना होता है अपन गुड्स खरीदते और उसके बाद आखिरी में क्या होता है अपन ऐसा काउंटर पे आते, ठीक है, काउंटर पे ट्रॉली लेके आते, इसको पूरा गुड्स वहां पे देते, वो गुड्स को स्कैन किया जाता है और वो स्कैन के बाद क्या होता है, वो स्कैन के बाद आप पे करते हो बेटा, है ना, पे करते हो और आपको इनवॉइस दे दिया जाता है, आपको इनवॉइस बेटा यहां पे केवल और केवल आपको इनवॉइस नहीं दिया जा रहा, मैं बताऊं यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बैक एंड में अकाउंटिंग एंट्री भी पास हो चुकी,
मतलब क्या, बिग बाजार ने सेल बुक कर चुके हैं, समझना बात को, बिग बाजार ने सेल बुक कर चुके हैं, उन्होंने डाल दिया कि कैश कलेक्ट हुई है और सेल हो गया है करके, समझना उन्होंने एंट्री डाल दी, और फिर वो पर्टिकुलर दिन में जो भी आपकी कैश टोटल होंगी ना, वो कैश टोटल की जाती है और वो कैश टोटल आपके गल्ले से, मतलब वो जो मैडम के बाजू में ऐसा ड्रॉवर होता है ना, वो जो ड्रॉवर के अंदर जो भी कैश होती है वो मैच होनी चाहिए, समझना बात को, वो बिल्कुल 100% मैच होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, समझे बात को, रिकॉर्ड भी, बाकी कार्ड वार्ड को झमेला ही नहीं है, सीधा बैंक अकाउंट में जाता है वो, तो है ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, वो बिल्कुल बिल्कुल ये वाली चीज मैच होनी चाहिए पूरे टोटल से, है ना। तो मैं क्या कहूंगा, समझिए, मैं आपको सेकंड वाली चीज में कहूंगा कि अकाउंटिंग एंट्रीज में ऑटोमेटिकली पोस्टेड होती है और उससे क्या हो जाते हैं, आपके कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन बड़े आसान हो जाते हैं, दिन भर में जितनी भी कैश में एंट्रीज आई कैश के अकाउंट को, उसको आपको चेक कर लिया आपने, बाकी और कुछ नहीं। बैंक के अंदर भी सेम ऑपरेशन होते हैं बेटा, इवन बैंकिंग के अंदर कैसा होता है, बैंकिंग के जब आप बैंक ऑडिट करने जाते हो तो आप पाओगे वहां पर कि ओपनिंग कैश बैलेंस आपको बताया होता है, फिर ड्यूरिंग इसमें कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है और आखिर में जो भी क्लोजिंग बचता है वो क्लोजिंग क्या मैच कर रहे हैं आपके सिस्टम, और यहां पे एक-एक कॉइन भी चेक किया जाता है, बताया आपको। नेक्स्ट वाली चीज, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स आर अप्लाइड ऑटोमेटिकली करके, सीधी सी बात है, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं क्या बेटा, सुनिए बात को, मैं आपको बताऊंगा, मेरे को ना एक बहुत ज्यादा मैसेज आता है बेटा प्री अप्रूव्ड लोन करके, क्या आता है, प्री अप्रूव्ड लोन मेरे ही बैंक से आता है, समझना, और कभी कभार तो हद कर देते मूर्खता की, ये फोन भी करते हैं सामने से, है ना। आप देखिए, प्री अप्रूव्ड लोन, बैंक का नाम नहीं लूंगा मैं आपके साथ, है ना, अब समझिए बात को, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये प्री अप्रूव्ड लोन का है ना, ये मेरे को अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, मतलब समझ लो एक दो साल भी ज्यादा बोल दिया मैंने, समझ लो आप लोग एक साल से ही आना चालू हुआ है, इसके पहले तो कभी मुझे नहीं आया, जब मैं सीए बन रहा था तब तो मुझे कोई लोन देने के लिए रेडी नहीं था यार, है ना, कभी ऐसा मैसेज भी नहीं आया, भूले भटके गलती से भी मैसेज नहीं किया मुझे, क्यों ऐसा, क्योंकि समझिए बात को, ध्यान दीजिए बेटा, समझिए, वो देख चुके हैं कि 3 साल के अंदर ये आदमी के अकाउंट में तो इनफ्लो 3,000 है, बहुत ही हो गया तो 3,500, और बहुत ज्यादा ही पहाड़ टूट गया तो बोले 4,000 इसको आ गए, समझ रहे बात को, महीने के, अब समझना ध्यान रखना, फिर उतना ही आउटफ्लो भी हो जा रहा है तो बच कुछ नहीं रहा है बोले, लेकिन अब अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, समझ ले, अब ना भी हो रहा है थोड़ा बहुत, कंपैरेटिवली इससे तो ज्यादा ही हो रहा है ना, तो ऐसे थोड़ा बहुत, थोड़ा सा हल्का सा, है ना, तो ऐसे इसमें हल्का सा ज्यादा हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, इसके अकाउंट में बेटा बैलेंस पड़ा हुआ है, बैलेंस पड़ा हुआ है, और एक एवरेज बैलेंस इसका बन चुका है कि इतना तो इसके इसमें होता ही है करके, समझना बात को, इतना तो ये अकाउंट में मिनिमम रहने ही वाला है। तो अब ये लोग शाइने देखो क्या करते, आपको है ना, आपको प्री अप्रूव लोन देंगे, मैं लोन क्यों लूं, जब मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है तो मैं लोन क्यों लूंगा तुझसे, सबसे पहली बात ध्यान रखना, है ना, तो इनका नहीं, इंटरेस्ट फ्री लोन बोले, इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे बोले, क्या इनके बैलेंस शीट में आता है ना बेटा वो वाली चीज की, देखो लोन हमने इतने डिस्बर्स किए, बोले कितना भारी काम, हमारे इतने लोन डिस्बर्स हुए, अरे भैया मेरा पैसा, मतलब मेरा माल मुझको ही बेचेगा, है ना, ये वाली बात हुई, तो ऐसे ये वाली चीजें हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस पॉलिसीज में आप करके रखते हो कि अगर एवरेज बैलेंस कोई अकाउंट का है तो आप उससे कोलैटरल भी मत मांगो, आप उनको सीधा लोन बांटो, क्योंकि वो अकाउंट कभी आपका पैसा नहीं डुबाने वाले करके ऐसे टॉप मैनेजमेंट पर डिसीजन लिए जाते हैं, और वो डिसीजन के इंप्लीमेंटेशन होते हैं कि आपको फोन आपके बचते रहते हैं कि प्री अप्रूव्ड लोन, हाँ सर मैं यहां से बोल रहा हूं बजाज फाइनेंस, और वो दो चार तो इतने पूरा परेशान करके रखे है ना, बजाज फाइनेंस वाले किसी दिन मिल गए ना आंटी बेटा, समझना बात को, बस खत्म। चलिए मैं अगर बात करूं आपके साथ नेक्स्ट वाली चीज, रिपोर्ट्स यूज्ड इन द बिजनेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिस्टम, मतलब समझिए बात को, ध्यान दीजिए, कोई भी आपको रिपोर्ट चाहिए, आपको स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए, सेल कितना हुआ, परचेस कितना हुआ, सारी रिपोर्ट्स आपको मिलती है कौन से चीज से, मतलब हर चीज का डिसीजन लिया जाता है केवल और केवल आपके ऑटोमेटिक सिस्टम से, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद बोला गया यहाँ पे, यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल बाय असाइनिंग द सिस्टम रूल्स टू द यूजर्स करके, जैसे मैं अगर बात करूं आपके साथ, समझिए बात को, क्या होता है, हर एक पर्सन को एक अपना इंडिविजुअल आईडी पासवर्ड दिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, मुझे वो आईडी पासवर्ड देंगे क्या जो आपका भी बैंक का है करके, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, समझिए आप बात को, है ना, मतलब जो यूजर एक्सेस जो सिक्योरिटी होता है ना बेटा, ये काफी कंट्रोल किया जाता है। जैसे कई बार बैंक के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस को अगर आपको एंटर करना है, किसी को लोन डिस्बर्स करना है, तो वैसे इसमें कंपलसरीली वो मैनेजर के डेस्कटॉप से ही होने चाहिए, मैनेजर के आईडी से ही वो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोसेस होने चाहिए, समझ रहे बात को। इसका अब ये क्यों किया गया ऐसा, ये
इसलिए किया गया कि मैनेजर आलसी ना हो, और मतलब अगर मैनेजर आलसी भी है तो ऐसा भी ना हो कि अब वही अगर उसके सिस्टम से जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम तो यही मानेंगे ना कि उसने अप्रूव किया है करके लोन को, या उसने अप्रूव किया है वो पर्टिकुलर पेपर्स को, तो मतलब कुछ भी गड़बड़ हुई तो गया मैनेजर काम से, समझ रहे हैं। तो ये आपको सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के लिए भी बहुत ज्यादा मदद करता है कि अगर आपको कोई ड्यूटीज को एस्टैब्लिश कराना है। अब बोलिए फटाफट मेरे साथ, रेलेवेंस ऑफ आईटी इन ऑडिट में क्या होगा? ये आपको कैलकुलेशन में भर भर के मदद करता है। दूसरी वाली चीज, ये आपके इंटरनल कंट्रोल्स को अप्लाई करने में, बिजनेस पॉलिसीज को अप्लाई करने में भी मदद करता है। तीसरी वाली चीज बिजनेस है, सुनना बात को, रिपोर्ट्स यूज टू रिपोर्ट्स यूज इन द बिजनेस आर प्रोड्यूस्ड फॉर द सिस्टम, मतलब क्या, जो भी समझिए रिपोर्ट्स जो भी सिस्टम से निकलते हैं उससे डिसीजन लेती है मैनेजमेंट। और चौथी वाली चीज यूजर एक्सेस या सिक्योरिटी रीजन वाली भी चीजें यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे कंपनीज डिराइव द बेनिफिट, क्या बोला यहाँ पे, कंपनीज डिराइव करती है बेटा बेनिफिट फ्रॉम द यूजर आई टी सिस्टम, फ्रॉम द आई टी सिस्टम एज एन अनेबलर टू सपोर्ट, एज एन अनेबलर टू सपोर्ट वेरियस बिजनेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट अचीव होते हैं कंपनी को अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। इसलिए यहां पे ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ आईटी टू द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए ऑडिटर की जिम्मेवारी बनती है बेटा क्या, कि सिस्टम को समझो, और सिस्टम को समझो कौन से चीज से रिलेटेड, टू एन ऑडिट। अगर आप ऑडिट करना चाहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना होगा, एक ऑडिटर को क्या करना होगा, समझना होगा सिस्टम को, तब जाके तो अरे यार मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे किसी को ब्लॉक करना है क्लास में तो उसका क्लास में आना जरूरी है ना? मैं क्लास में आ नहीं रहा, मैं बोल रहा नहीं नहीं मैं ब्लॉक कर दूंगा, तू क्लास में तो आकर कह रहे, वो उसको क्लास में ही नहीं आना, वो क्यों ब्लॉक हो, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, है ना। तो ऐसे जैसे अगर मैं बात करूँ आपके साथ, देखो यहाँ पे चिंतन है, अब ये चिंतन, अब मैंने अगर चिंतन को ब्लॉक किया तो ये चिंतन को मैंने क्यों ब्लॉक कर पाया, मैं बताइए मुझे, क्योंकि ये क्लास में आया था, क्योंकि ये क्लास में आया था, ये क्लास में नहीं आता तो क्या मैं इसे ब्लॉक कर पाता क्या, बताइए मुझे, क्या मैं इसे ब्लॉक कर पाता, कि मैं क्लास नहीं, मैं ब्लॉक नहीं कर पाता, समझिए बात को, ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, ये आई टी सिस्टम वाली चीज़ हो, ये देखिए लाइव आपको एग्जाम्पल दिया, अभी ये भी किया मैंने, समझे आप बात को, अभी अनाइड भी किया हो बेटा, है ना, चलो आइए ध्यान, लाइव यार एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको। फिर बच्चे कहते हैं सर ऑडिट को प्रैक्टिकल बनाओ करके, इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिकल बनाओ, देखिए सेकंड वाली चीज देखो, सुनो, अब मैं बात करूं आपके साथ, व्हाइल इट इज द ट्रू, व्हाइल इट इज ट्रू दैट द यूज ऑफ आईटी सिस्टम एंड ऑटोमेशन बेनिफिट द बिजनेस बाय मेकिंग ऑपरेशंस मोर एक्यूरेट रिलायबल एंड इफेक्टिव, मतलब क्या बोला गया है, जब आप आईटी सिस्टम का प्रयोग करते हो ना तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, एक्यूरेट रिलायबल और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और ये सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो ऐसे सिस्टम में समझिए बात को, ये नए रिस्क को भी उत्पन्न करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नए रिस्क उत्पन्न नहीं हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात यह है बेटा कि आईटी सिस्टम अगर आपके एक्यूरेट, मतलब ये आपके मान लीजिए कि हो सकता है ये आपके ऑपरेशंस को एक्यूरेट रिलायबल इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाए करके, एक्यूरेट का मतलब होता है कि विदाउट एनी गलतियां, रिलायबल मतलब आप जिनके ऊपर भरोसा कर सको, इफेक्टिव मतलब कम समय लेने वाला, और एफिशिएंट का मतलब होता है कम समय और कम टाइम दोनों लेने वाला, उसको एफिशिएंट बोलते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हो सकता है आपके सिस्टम को बनाए, लेकिन ऑब्वियसली बात है हर एक चीज के साथ, हर एक चीज के साथ उसकी अपनी अपनी रिस्क उत्पन्न होती है, और यहां पे भी इट इज नो अदर दैन दैट पर्टिकुलर थिंग, यहां पे भी अपने इसके रिस्क होने वाली है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए यहां पे टू एन क्या बोला, देखो यार टू एन एक्सटेंड दैट इट इज रेलेवेंट टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इवन द ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड असेस एंड रिस्पॉन्ड सच रिस्क दैट अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम। मुझे आप एक बात बताइए, कहां पे रिस्क नहीं होता बेटा, जहां पे ऑटोमेटेड सिस्टम ना हो वहां पे भी रिस्क होता है ना, वहां पे भी तो रिस्क मौजूद है। तो यहां पे आईटी सिस्टम के कारण भी क्या रिस्क उत्पन्न हो सकती है, हां हां सर इसके कारण भी रिस्क उत्पन्न हो सकती है। ऐसे 315 उसके बारे में भी बात करता है, क्योंकि वो एंटिटी और उसके एनवायरमेंट के बारे में बात करता है ना, ऐसे 315 बात करता है रिस्क को असेस करने की एंटिटी और उसके एनवायरमेंट में। अब उसके एनवायरमेंट अगर ऑटोमेटेड वाला है तो ऑटोमेटेड वाली रिस्क आ जाएंगी, सिंपल सी बात है, कुछ है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। आइए ध्यान दीजिए फिर क्या बोला गया, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, एकदम मजा आ रहा है अभी तो, चलिए आइए नेक्स्ट पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझते हैं। देखो In an audit of financial statement, primary focus किसके ऊपर होता है बेटा, primary focus is around those risks that are relevant to financial reporting. सीधी सी बात है, हम audit financial statements के अंदर हम वही particular risk के ऊपर या वही particular material misstatements के ऊपर हम लोग जाते हैं, जो बेटा किसके ऊपर, जो हमारे financial reporting या जो हमारे financial statements को affect करते हैं। अगर कोई चीज हमारे financial statements को affect ही नहीं करती है तो हम लोग उसके ऊपर क्या ध्यान देते हैं क्या, नहीं हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ऐसा ये वाला लाइन हुआ। तो हमारा प्राइमरी फोकस होता है वही रिस्क
बेसिस के ऊपर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खराब करे। लेकिन हो सकता है बेटा बहुत सारी अदर चीजें, जैसे देयर कुड बी नॉन ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट दैट ऑडिटर्स में इन्वॉल्व, वेयर द एरिया ऑफ फोकस कुड इंक्लूड दोज आईटी रिस्क रेलेवेंट टू द कंपनीज कंप्लायंस एंड बिजनेस ऑपरेशन इन एडिशन टू द रिपोर्टिंग रिस्क। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्या बोल रहा है। अब आपने देखो सुनो, आप हो बेटा, आपने क्या किया मैं बताऊं आपको, आपने मतलब आप हो कौन, ऑडिटर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के, है ना, और आप ही ने वो कंपनी के ऊपर क्या करके रखा है, आप ही वो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को संभालते हो, और ये इंटरनल कंट्रोल्स फुल्ली ऑटोमेटेड है, समझना बात को, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है जितने भी कंट्रोल्स हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई बेटा, आपने कुछ गलती की और उसका चेकिंग भी आप ही कर रहे हो करके, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस आपको लगता नहीं हैम्पर हो रहा है करके, बिल्कुल हो रहा है। तो ये क्या कर सकता है, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क को उत्पन्न कर सकता है। कि हो सकता है अब एक ऑडिटर को क्या लगेगा, यार मैंने इसको सिस्टम ला के दिया, मैं खुद की गलतियां कैसे निकालूं करके, मुझे बताइए, आपको लगता नहीं, तो यहां पे आपका इंडिपेंडेंस हैम्पर हुआ। इसलिए याद है आपको बोला जाता है कि अगर आप कोई नॉन ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हो तो आप ऑडिट के अंदर नहीं जा सकते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये आप कंपनीज ऑडिट के चैप्टर में पढ़ते हो बेसिकली ये सब चीजें, ठीक है। आइए नेक्स्ट वाली चीज, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट देर इज अ ग्रेटर एम्फोसिस गिवन ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब कुछ ऐसे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल, समझना, कुछ ऐसे कंपनी के इंटरनल कंट्रोल जो बेसिकली फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर रखते हैं ना, फाइनेंशियल्स के ऊपर कंट्रोल करने वाले इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, है ना। चलिए मैं अगर बात करूं आपके साथ, डायरेक्टर्स या TCWG या कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बेटा फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल विद इन द कंपनी, लेकिन वो बाहर वाले व्यक्ति को भी ला सकता है बेटा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के ऊपर कंट्रोल डाले करके, है ना, जो सेल के ऊपर कंट्रोल डाले, जो आपके कैश के ऊपर, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसके ऊपर भी अलग से कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखेंगे यहां पे बोला गया, गिवन बिलो आर द सिचुएशन इन विच द आईटी विल बी, इन विच द आईटी मतलब इंफॉर्मेशन, अपना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट करके, कौन सी ऐसी सिचुएशन। सबसे पहला देखो, इंक्रीज यूज ऑफ द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन द बिजनेस। जैसे आपने ईआरपी यूज करते हो, आप SAP को यूज करते हो, आप ओरेकल को यूज करते हो, आपका पूरा तो सिस्टम के कारण ही हो जा रहा है, तो आपको यहां पे क्या करना है, समझिए बात को, यहां पे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से ही ऑडिट करना होगा, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने तो ऐसा किया नहीं, तुम इसके पूरे प्रिंट निकालो फिर मैं ऑडिट करूंगा करके, ऐसा नहीं है भैया, पूरी चीजें सिस्टम के अंदर है, आपको सिस्टम को चेक करना है, समझिए यार। देखिए मैं आपको क्लियर कट बताता हूं जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मेरा यह कहना है कि मान लीजिए यह आपका सिस्टम है ना, अज्यूम कीजिए बस ये अपना क्या है बेटा, ये अपना सिस्टम है, जबरदस्त ओपी ड्रॉइंग, ठीक है। देखिए यहां पे ये अपना क्या है, ये अपना सिस्टम है। देखिए आप सिस्टम के अंदर की चीजें चेक कर रहे हो, माना आप सिस्टम के अंदर की चीजें कर रहे हो, लेकिन आपको यह भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये सिस्टम के बाहर का एनवायरमेंट तो ठीक है ना, इसको ऑपरेट करने वाला व्यक्ति तो ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए मैं आपको एकदम जबरदस्त चीज बताता हूं। एक है ना, एक हमारा क्लाइंट है, वो पर्टिकुलर क्लाइंट ने, ठीक है, उसने जित में कहा कि नहीं नहीं अकाउंटिंग तो हम करेंगे करके, हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, मतलब हम आपसे अकाउंटिंग नहीं करवाएंगे करके, ऐसा जित में उसने अकाउंटिंग अपने पास लिया, ठीक है। उसने कोई नॉन एक्सपीरियंस पर्सन को अकाउंटिंग केस में लगवा दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि वो पर्टिकुलर पर्सन, अगर कोई पर्टिकुलर गुड्स होता है तो ये क्रेडिटर्स में जाए, ये डेटर्स में जाए, ये कहीं पे भी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पेमेंट हो रहा है तो समझना बात को, ध्यान रखना, वो हमेशा हमेशा आपके एक्सपेंसेस में ही भाई ने बुक किया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्रेडिटर खड़ा हुआ है उसका पेमेंट नहीं, नहीं बोले एक्सपेंसेस, बस पैसा गया मतलब एक्सपेंसेस, समझना बात को, पैसा आया मतलब, बेटा बीकॉम भी बहुत ज्यादा बोल दिए थे आपने, है ना, पैसा आया मतलब इनकम, है ना, खत्म हाँ इनकम मतलब सेल भी इनकम में आएंगे, कैश भी इनकम में आएंगे। अब ध्यान दीजिए, समझिए बात को, ईयर एंड के ऊपर क्या होता है, ईयर एंड के ऊपर मेरे पास डेटा आता है, मैंने कहा यार इसका तो बढ़िया हो जाएगा करके, इसका तो पूरा इसने मैनेज किया, अपने को कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। मैं फिर चेक करता हूँ जीएसटी का डेटा, जीएसटी की फाइलिंग्स तो हम ही करेंगे, है ना, जीएसटी की फाइलिंग्स मैंने चेक किया, मैंने इसका डेटा चेक किया, मैंने कहा भाई साहब ये तो डबल ट्रिपल ये करके, मतलब मैंने कहा यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी जीएसटी फाइलिंग में, मैं अलग डर गया, मैं सोचा भाई गए काम से इस बार तो, मतलब लंबा ही होता है करके, मतलब करे कैसे, मतलब बहुत ज़्यादा अलग डर लग रहा था यार, झूठ नहीं कह रहा आपसे। फिर मैंने बोला चलो एक बार देखते तो है कि क्या है करके, एक बार देखते तो डेटा। फिर मैंने धीरे 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 पता लगाया, मैंने कहा अरे भाई साहब पूरा खेल हो गया। फिर मतलब ऐसा हुआ कि बाद में अकाउंटिंग अपने को ही करना पड़ता है, समझ रहे बात को, इस चीज का ध्यान रखना अगर इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं तो। सेकंड वाली चीज से रिलेटेड बात करूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन अगर इंक्रीज हो जाती है, जैसे अमेजॉन के केस में, फ्लिपकार्ट के केस में, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लोग आईटी सिस्टम के ऊपर शिफ्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी, लोग आईटी का प्रयोग करेंगे और आपको आईटी से रिलेटेड ही करना होगा। हाईटेक नेचर के बिजनेस है, जैसे टेलीकॉम हो गया, ई कॉमर्स हो गया, अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं, फुल ऑनलाइन एजुकेशन है, समझ रहे
बात को, ये वाली चीज तो ठीक है यूट्यूब के ऊपर स्टोर होंगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके साथ समझिए, लेकिन अनअकैडमी के ऐप के ऊपर मैं कोई चीज ले रहा हूँ तो वो आपका मतलब वो मैनेज करना ऐप को कि वो बराबर स्टोर होनी चाहिए क्लास। दो साल तक बच्चा अगर कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है, लेकिन जैसे ही दो साल खत्म हुए वो क्लास ऑटोमेटिक उड़ जाएंगी। समझ रहे आप बात को? तो बेसिकली अगर मैं कहूँ ये हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस होता है, तो यहाँ पे अगर कोई अनअकैडमी का बेटा ऑडिट करने आएगा तो उसको सिस्टम का ऑडिट करना होगा ना कि सिस्टम प्रॉपर कर रहा है क्या। पता चला यहाँ पे रवीना बेटा सब्सक्रिप्शन लेने जा रही है, रवीना को सब्सक्रिप्शन चले गया, पैसा कृति ने पे की थी। समझिए बात को, ध्यान दीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि हाईटेक नेचर के जहां पे आपके टेक्नोलॉजी बेस्ड वाले बिजनेस होते हैं ना, तो और आपका नॉर्मल मतलब सामने वाले के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे बिजनेसेस को बहुत संभाल के चलाने की जरूरत होती है। अगर आप ये सोचिए ना, बैंक के अंदर आपने बेटा ट्रांसफर किया किसी व्यक्ति को, वो एंट्री ना वो शाम में एंट्री पोस्ट होने वाली है, तो बढ़िया है यार, मैं तो बकाबक सबको ट्रांसफर कर दूंगा, एक अकाउंट में डेबिट तो आ नहीं रहा, डेबिट तो शाम में आएगा ना, शाम का शाम में देखेंगे, अभी तो धनाधन एंट्रीज पास कर दूं मैं, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, जब आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हद से ज्यादा बढ़ जाए तब भी आपको आईटी का प्रयोग करना होता है। आपके कंपनी की पॉलिसी है, कंप्लायंस पॉलिसी नहीं, हम तो आईटी के साथ ही चलेंगे, बहुत बढ़िया बात है यार। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कंपनीज एक्ट वगैरह भी आपको कहता है, फिर उसके बाद आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, और ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों चीजों को बढ़ाता है बेटा। मतलब आपको अगर मैं कंपैरेटिवली बताऊं तो आपको टाइम कम लगता है और आपको कॉस्ट भी कम लगता है, और आपका जो कॉस्ट होता है ना वो भी कम लगता है। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये होती है सिचुएशन कुछ जहां पे आईटी बहुत ज्यादा क्या होगा, रेलेवेंट होगा ऑडिट के लिए। इस चीज का ध्यान रखना, आपका आईटी रेलेवेंट होगा ऑडिट के लिए ये सारे सिचुएशंस के अंदर, है ना, ये सारे सारे सिचुएशंस के अंदर इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझे? कम ऑन एवरीवन, क्या आप ये पर्टिकुलर बात को समझे अभी, है ना। चलिए अब मैं अगर बात करूं ऐसे कुछ सिचुएशंस के अंदर, अगर आप बेटा ट्रेडिशनल या मतलब ट्रेडिशनल प्रोसीजर से आप करा पाओगे तो यहां पे आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, आपके लिए इट्स नॉट फीजिबल, आपके लिए इट्स नॉट फीजिबल कि आप ये कंपनी का ऑडिट कर पाओगे। अदरवाइज आईटी मतलब अगर ऊपर वाली सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, ये सब चीजें, तो आप नॉर्मल तरीके से ऑडिट नहीं कर सकते। दूसरी वाली चीज है यहां पे बोला गया, ऑन द अदर हैंड कंपनीज अगर लेस कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम जैसे डेस्कटॉप बेस्ड अकाउंटिंग स्प्रेडशीट्स, मतलब ये बात कर रहा है अपने कौन से एक्सेल बेस्ड हो गया या अपना डेस्कटॉप बेस्ड एक आदमी बैठा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर यहां पे कंट्रोल कंपैरेटिवली आईटी का इन्वॉल्वमेंट लेस है, क्योंकि यहां पे ह्यूमन व्यक्ति आया है, आपको कुछ भी लगता है आप उससे पूछ सकते हो, भैया ये तूने कैसा किया। लेकिन जब पूरी चीजें आईटी से ही हुए तो कंप्यूटर से बोलेंगे बता रहे तूने कैसा किया करके आप नहीं जान सकते। आपको कंट्रोल्स को सीखना होगा, आपको जानना होगा कि वो सिस्टम चलता कैसे, वो सिस्टम परफॉर्म कैसे होता है, वो जैसे सिस्टम परफॉर्म होता है अकॉर्डिंगली आपको अंडरस्टैंडिंग के कारण बाकी चीजें करना होता है, ठीक है। कई सारे एरिया में आजकल कैट्स यूज किए जाते हैं, मतलब क्या कंप्यूटर, समझना, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ये एक प्रकार की टेक्निक है ना। जैसे याद करना ऑडिट प्रोसीजर अपने कैसे होते थे, है ना, एक टेक्निक्स आपको बताते थे कि कैसे आपको प्रोसीजर्स को कैरी आउट करना है, उसी प्रकार से कैट मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स ये आपको मदद करती है बेटा कि मतलब कैसे कंप्यूटर की मदद से आप ऑडिट कर सकते हो। बाय यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स इट इज इवन पॉसिबल टू इंप्रूव द एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट करके। फ्रॉम द अबव वी कैन सी दैट आईटी इज रेलेवेंट फॉर द ऑडिट अंडर द डिफरेंट सिचुएशन जैसे ऑडिट, नॉन ऑडिट, मीटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, किसी भी प्रकार के कंप्लायंस के अंदर ऑडिट एक जरूरी चीज होती है। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, समझिए बात को, देखो इनका इन्होंने एक और सिंपल चीज बता दी है बेटा कि अगर आपका ह्यूमन बेस्ड अकाउंटिंग होती है तो वहां पे लेस ऑटोमेटेड एनवायरमेंट आप देखते हो ना, लेस ऑटोमेटेड एनवायरमेंट आपको देखने मिलता है अगर आपकी ह्यूमन बेस्ड होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, समझिएगा बात को, सुनना आप बात को, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर हाईली ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन है, हाईली ऑटोमेटेड ट्रांजेक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में ही यहाँ पे ही आपको कॉम्प्लेक्स ऑडिट टेक्निक का प्रयोग करना होगा। यहाँ पे ही सारी चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, बाकी जगह चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इस चीज का भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ऐसा यहां पे होती है चीजें। अब कल हम लोग देखेंगे बेटा रिस्क इन द कंट्रोल्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें, कल की क्लास में आपकी ये वाली चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। आज जो बेस तैयार करना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूं काफी चीजें आपके साथ, कल ये वाली चीजें आपको आसान तरीके से धनाधन माइंड के अंदर डालते हुए चलेंगे और फटाफट इस चैप्टर को, कल आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज का भी आप ध्यान रखना, है ना, कल आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा और इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे। और अगर मैं बात करूं आपके साथ प्लस के अंदर, आप लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, सेम चीजें आइकॉनिक में, उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, आप यहां पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। फॉलो कीजिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।